मैं पुलिस को फोन लगा दूं। हेलो हेलो पुलिस। नहीं, मैं सीआईडी से मिस्टर दया बात कर रहा हूँ। अरे सॉरी, गलती से लग गया, मुझे पुलिस को कॉल लगाना था, एक केस था। केस? सर हमें दे दो ये केस, प्लीज सर हमें दे दो। अरे तुम्हें नहीं देना, पुलिस को देना है। अबे सर प्लीज सर, भोसड़ी का हमें दो ये केस। नहीं, हम आपको नहीं देंगे। आप अबे सर बहुत गरीबी हमारे यहाँ पे सर, ऐसे भी सांप चूहे मार के खा रहे हैं। अभिजीत सर हमारा काम चला रहे हैं। बेटा रुको, ये पैसे तुम हमें दो, हम तुम्हें एक का डबल करके देंगे। अभी दे अपना काम का। दे दे, देता क्यों ना। सर प्लीज दे दो सर प्लीज। मेरा नाम दया, पर कोई भोसड़ी का दया नहीं कर रहा मुझ पे। अबे साला बड़बुआ मत जाइए, चला जा भोसड़ी के, चला जा। अभिजीत नाम है मेरा, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर तुम्हें तुम्हारी अम्मी क्या कर रही है दया, इधर देख। हमें ना पता भाई हम केस देखने आ रहे हैं। अबे जी एक आचार जबरदस्ती है, चले दया। अरे दया ये खुल क्यों नहीं रही? अरे बाप को दहेज में मिली थी। चलो दया केस सॉल्व करें। तुम कौन? हम सीआईडी से, दया इंस्पेक्टर अभिजीत। अबे तुमसे तो मना करा है। मना करा था क्या दया? अरे बिल्कुल नहीं, देखो मैं मना नहीं करा था, केस हम ही नहीं करेंगे। आओ दया। अबे यार रुक जा। क्या केस है तुम्हारा, जल्दी बताइए। देखिए टाइम बहुत कम है हम लोगों पे, और भी केसेस होते हैं हम पे, तो पहले उन्हें निपटा ले और हमें माफ कर। देखिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे हमारे आगे हमसे केस आप सोल्व करवाओगे उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। दया बताओ दया। फायदे भी हैं? फायदे बहुत फायदे हैं। पहला, आपको हम बेहिसाब डिस्काउंट पे केस निपटवाएंगे, और दूसरा फायदा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे, ऑन द स्पॉट एसीपी साहब फांसी की सजा सुनाएंगे, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं। तो करा कौन रिया दी है? वसीम, देखो वसीम, पुलिस वाले हमारी सुन नहीं रहे हैं, ये सीआईडी वाले कुछ ठीक लग रहे हैं, क्यों ना इनको केस दे दें। चलो फिर दया, और भी बहुत केस हैं अपनों पे, तो कोई एक केस ही थोड़ी है। हाँ, टाइम बर्बाद हुआ है। रुकिए। हाँ, ये केस हम आपको ही दे रहे हैं। तो हमारा केस ये है कि आज से 4 महीने पहले हमें एक डायमंड प्ले बटन मिला था YouTube की तरफ से, जो कि कोरियर वाला लेकर आ रहा था। बीच में से ही किसी ने वो डायमंड प्ले बटन चुरा लिया। दिन था 17 मई, टाइम था 3:34। तब से लेके आज तक हमारे फैंस हमें गालियां बक रहे हैं माँ बहन की। तो भाई देखो, हमें हमारा डायमंड ला दो कैसे भी करके। तो आपको किस किस पे शक है, मुझे जरा नाम बता दीजिए उन सबके। देखो भाई, शक हमें कुछ लोगों पे है जिनके नाम तो ये केस हम 24 घंटे के अंदर अंदर निपटा देंगे। चलें भैया, एसीपी साहब को भी उठाना है रास्ते से। जी सर। दया, यही है पीवी जी का घर, दरवाजा तोड़ो। अरे मैया री, दया
क्या हुआ दया? दया अब वो बात नहीं रही तुम्हारे कंधे में, मुठ मारने लगे हो क्या? अबे वो बुड्ढे, वो साले बुड्ढे खुद को तो देख ले, अबे तुझसे तो घर की डोर बेल तक न दबती। अभिजीत समझा ले से। मैं समझाता हूँ सर, आप रुकिए। दया बहुत गलत कह रहे हो कि सर से डोर बेल नहीं दबती, सर से भाभी के भी ना दबती। क्या 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 ना दबते? छोड़ो सर, अंदर की बात है ये। तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ? पैसन से आए? पैसन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। हटो, दिखाता हूँ तुम्हें, हटो। आज दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी असली ताकत। दया ये दरवाजा तीन जगह से टूटेगा, तीन जगह से। अरे अरे मारो एसीपी साहब। अरे सर निपट गया, दिखा बुड्ढा। कौन था ये पता ना साला, कौन भिखारी है? कोई बाबली गांड है? बाबली गांड तो हम है, बाप बाबली गांड। तुम कौन हो? हम सीआईडी से। सीआईडी यहाँ के गांड मराने आए? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़। बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। बीबी जी 17 मई को 3:34 पर आप कहाँ थे? घर था। अरे बताओ क्या कर रहे थे? अरे बताइए क्या कर रहे थे? बताओ बीबी जी क्या कर रहे थे आप 17 मई को? अरे बताते क्यों नहीं हो? अबे हग रहा था। मतलब? मतलब तुम्हारी माँ का बहुत बड़ा। और निकल जाओ घर से। केस खत्म। बीबी जी फुल फॉर्म क्या है? होगी बहुत बड़ा गांडू। बटन तो मिल गया है? है? मिल गया बटन, मिल गया बटन बीबी जी, बहुत बड़ा बटन मिला। बाय बीबी जी। अभिजीत क्या रिपोर्ट आई है? सर ये आपकी एक्सरे रिपोर्ट बता रही है कि आपका कंधा तीन जगह से टूटा। तीन जगह से? जी सर। अबे यार हमारे पास तो पैसे भी ना है, अब कैसे होगा इलाज? इस मामले में तो दया के मजे हैं। क्यों सर, दया के क्यों मजे हैं? सर इधर देखो, इस कंधे को देख रहे हो? अलग अलग 13 कंपनियों से इंश्योरेंस करा रखा सिर्फ कंधे का। वाह यार दया तेरे मजे हैं भाई। अबे इसके तो फिर भी मजे हैं, मेरा इलाज कैसा होगा? मेरे पास तो फूटी कोड़ी ना। 200 रुपए? ये कहाँ से? क्या पड़ता सर, कहीं से भी आयो, अब तो टंकी फुल होगी पैसन की। मेरा इलाज होगा, पेट्रोल डलेगा। मेरा इलाज पेट्रोल, इलाज पेट्रोल, इलाज पेट्रोल, इलाज। चुप अप भोसड़ी, चुप अप। डायमंड प्ले बटन का कुछ पता नहीं है कहाँ पर है? पेट्रोल डीजल इलाज, अगला नाम देखो किसका। स्कूल चलो, चलो। तुम दोनों सोच रहे होगे कि मैंने स्कूल का गेट क्यों बंद करा? हम तो ना सोच रहे, पर मैं फिर भी तुम्हें बताऊंगा। मैंने गेट इसलिए बंद किया है, संजय और सुमित जब हमसे बचकर भागते हुए आएंगे गेट पर तो गेट मिलेगा उन्हें बंद और हम उन्हें दबोच लेंगे। दया दिमाग तो है एसीपी सर में। अभी जी सर इसे बोलते हैं माइंड, माइंड का खेल है ये। पर कोई नहीं, तुम्हारा अभी सीखने का टाइम है, तुम सीखो। मैं और अभिजीत क्लासरूम जा रहे हैं ढूंढने। दया तुम प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। मैं जा रही। अबे यार दया चला जा, सर से इंग्लिश ना आती। इधर आ बुड्ढे। अबे तू अंदर जाएगा तभी तो ऊपर संजय मिलेगा। अबे ये भोसड़ी का सबको बता देगा कि दया ही संजय। और चीख ले, एडिटिंग में कटवा दूंगा। जा आओ सर। संजय कौन है यहाँ?
ये मर चौन दिया। अरे सर ये तो बड़ा लैंड ही लग रही है, पूछिए इससे। संजय डायमंड कहाँ है? सर मुझे लग रही है ये इंग्लिश का टीचर है, इंग्लिश में पूछो। संजय वेयर इज, अभिजीत डायमंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे सर डायमंड को डायमंड ही कहते हैं इंग्लिश में। नहीं बिल्कुल ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, गवार हो, सुअर हो, औसड़ी वाला क्या हो तुम। बस अभिजीत बच्चे देख रहे हैं। संजय वेयर इज डायमंड? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहरा है। इसका मतलब समझे अभिजीत? इसका क्या मतलब हो सकता है सर? ये सुन नहीं सकता।